हम मुतालबा करते हैं गुस्ताखों के लिहाज से कि वो किसी माफी और नरमी के मुस्तहिक नहीं, वो वाजिबुल कत्ल है। उन्हें उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द किया जाए, मस्जिद नबी के बाहर उनको सुनी भी जाएगी तो फिर हमारी एहतजाजी तहरीक खत्म होगी। हम ये चाहते हैं कि सऊदी हुकूमत मदीना मुनव्वरा में मदीना मुनव्वरा मिलियन मार्च का एहतमाम करे, जिसमें 57 इस्लामिक कंट्रीज के सरबरा और पूरी दुनिया से मुस्लिम रहनुमा जूते उतार के नंगे पांव कुल्लना फिदा का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करके गुस्ताखों पर ये वाज़े कर दे कि रमूस नबी की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे, जो रह में हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे। अगर पेरिस में काशे मार्केट के बाहर फ्रांस का वजीर आजम ये नारा लगा सकता है कि हम सारे चकली हैं, तो हमारा वजीर आजम फ्रांस जाकर उनकी पार्लियामेंट के सामने ये नारा क्यों नहीं लगा सकता कि हम सारे मुस्तफी हैं। इस वास्ते हमारा वजीर आजम से मुतालबा है, वो रोजाना सैर सपाटों के लिए निकल जाता है इस मुल्क को चलते छोड़कर, पाकिस्तान के ये गैरतमंद अवाम उससे मुतालबा करते हैं कि अपनी काबीनों को साथ लेकर फ्रांस की पार्लियामेंट के सामने ये आवाज बुलंद करो कि हम सारे मुस्तफी हैं और अल्लाह के रसूल सलाम की इज्जत पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले हैं। हमारा मुतालबा है सऊदी हुक्मरान मस्जिद नबी शरीफ में मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को इकट्ठा करके लाइन ऑफ एक्शन का तयशुल करें और पाकिस्तानी हुक्मरान सरबराही कॉन्फ्रेंस में अपने इस फरीजा की अदायगी का एहतमाम करें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से गुस्ताखाना कल्चर का खात्मा हो और पाकिस्तान जो करिया इश्क रसूल सलाम है इसकी गली गली से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मर मिटने के लिए कफन पोश जुलूस निकाले जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा के बदखाहों की आंखें झुक जाए और इस्लाम का झंडा पूरी अजमत से आबोताब से मजीद लहराता रहे। मैं ये समझता हूं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अजमत का झंडा अर्श पे जिस कदर लहरा रहा है दुनिया की कोई ताकत उसे उतार नहीं सकती। ये खाके बनाने वाले खाक हो जाएंगे मगर वो झंडा लहराता रहेगा। कितने शद्दाद फिरौन नमरूद वो दुनिया से उनके नामों निशान मिट गए, ऐसे ही इन गुस्ताखों के इनके आर्मियों के इनके सरप्रस्तों के नामों निशान मिट जाएंगे मगर अजमत रसूल अलैहिस्सलाम का परचम लहराता रहेगा। वो हमारे जलसों के मोहताज नहीं है मगर याद रखो कल क्यामत के दिन हमने जवाब भी देना है। जब पूछा जाएगा कि 30 लाख खाके जब छपे थे उस वक्त तुम कहां थे, आज की हमारी नमाजें रोजे हज और ज़कातें इनकी हिफाजत तब हो सकेगी, कल क्यामत के दिन इन पर अजर तब मिलेगा जब आज हम नमूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए अपना किरदार फरीजे की शक्ल में अदा करेंगे।